गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज योर फिजिक्स टीचर पंकज मानेकर। फ्रेंड्स, आज हम जो है वेक्टर्स नाम का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो जेई एंट्रेंस के हिसाब से वेक्टर इज अ चैप्टर जो है सिलेबस में, कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसका एग्जैक्ट इम्पॉर्टेंस क्या है, तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, मतलब हो सकता है कि वेक्टर से आपको कभी कोई एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात तो यह है आपको सुनना कि कोई भी चैप्टर बिना वेक्टर लगाए कंप्लीट नहीं होता। मतलब आपको हर एक चैप्टर में वेक्टर का यूज़ करना ही होगा। आपको शायद हो सके कि उसका उस पर्टिकुलर टॉपिक का कोई क्वेश्चन कभी कोई एग्जाम में आए या फिर ना आए, उसका कोई गारंटी नहीं ले सकते। छोटा टॉपिक है और कम इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा है कि इस चैप्टर के सिवा फिजिक्स बन ही नहीं सकता। कोई भी इसके बाद का एक भी टॉपिक बिना वेक्टर के यूज़ किए हम नहीं पढ़ने वाले। ये एक तरीके से नमक की तरह है, आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट बना लो, नमक तो आपको डालना ही होगा। आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो, वेक्टर तो आपको उसमें यूज़ करना ही होगा दोस्तों। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो आप हेडिंग करेंगे वेक्टर्स, ये है आपका चैप्टर का हेडिंग वेक्टर्स। और अब सबसे पहले हम समझेंगे कि स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है। वैसे तो हमने फाउंडेशन में इसका बहुत सारा इंट्रोडक्शन हमने लिया है, बट फिर भी उसके अलावा मैं अब इस इंट्रोडक्शन को तो मैं कंटिन्यू करूंगा ही, और अब हम इस चैप्टर को पूरा डेप्थ में, जितना भी फिजिक्स में पूरा रिक्वायर्ड है वो पूरा का पूरा हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वेक्टर्स क्या है और स्केलर्स क्या है। सबसे पहले तो स्केलर को हम समझते हैं। स्केलर मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। हम कहेंगे इट इज ए क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड डज नॉट हैव डायरेक्शन। ये डज नॉट हैव डायरेक्शन वाले फंडे को तो हम बाद में देखेंगे, इतना इंट्रोडक्शन एक्चुअल में आपने 8th, 9th, 10th में भी पढ़ा ही होगा, बट फिर भी मैं इसको मेरे तरीके से एक बार एलैबोरेट करना चाहता हूँ। बच्चों, क्वांटिटी मतलब वो टर्म जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पर मैग्नीट्यूड मतलब क्या। समटाइम्स क्या होता है, मैक्सिमम टाइम मैग्नीट्यूड का मतलब समझ नहीं पाते हो दोस्तों। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर है ना, कोई एक क्वांटिटी है, मान के चलो क्वांटिटी टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर इज द क्वांटिटी। तो वो टेम्परेचर कितना है, मतलब कम है, ज्यादा है, कितना है एग्जैक्टली, ये रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी होगी। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई आज रात में जो टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेल्सियस था, पर जब दिन में 12 बजे चेक किया गया तो वो 35 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये टेम्परेचर की हम क्वांटिटी कौन हुई यहाँ पे, इट इज अ क्वांटिटी विच इज ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। तो क्वांटिटी मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्वांटिटी है आपकी, और मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड मतलब ये नंबर जिसने बताया कि टेम्परेचर की क्वांटिटी कितनी है, कितना टेम्परेचर हमने यहाँ पे कंसिडर किया है ना। ये आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड उस क्वांटिटी का अमाउंट बता रहा है, हाउ मच इट इज, कम है, ज्यादा है, कितना है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि बेटा वर्धा से नागपुर का डिस्टेंस जो है वो 85 किलोमीटर है, और वर्धा से यवतमाल का जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर है। दोस्तों बात समझना, वर्धा टू नागपुर, नागपुर और वर्धा के बीच का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी डिस्कस हो रही है, डिस्टेंस हो रही है, और कौन सी ज्यादा है या कम है ये कौन बताता है, तो ये नंबर बता रहा है। 85 नंबर इज ग्रेटर देन द 70 एज अ नंबर। तो हमको ये नंबर जो बता रहा है कि बेटा कितना है, कितनी मतलब डिस्टेंस का अमाउंट कितना है, कम है, ज्यादा है, कंपेयर करना है, तो ये जो नंबर आपके लिए यूज किया गया है
इसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, मतलब कि कोई भी क्वांटिटी को जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस करेंगे तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू, वो नंबर आपको बताएगा कि उसका अमाउंट कितना है। मैं कहता हूं कि हमने 10 किलो आम खरीदे और 12 किलो आम खरीदे, तो कब ज्यादा खरीदे? ऑब्वियसली 12 किलो, तो ये 10 से 12 बड़ा है, तो ये 12 या 10 ये जो नंबर्स है ये आपको बता रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। और ऐसी, अब अगर आपको मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ गया हो तो मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हाँ उसके पास डायरेक्शन नहीं होती। एकदम सिंपल है, अगर आप एग्जांपल के तौर पे सोचोगे तो टेम्परेचर इज द बेस्ट एग्जांपल। टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि बेटा 30 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है, पानी उबल रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी का बर्फ बना हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस है, पर टेम्परेचर की डायरेक्शन नहीं होती। वी डोंट से कि 20 डिग्री सेल्सियस गोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन और 40 डिग्री सेल्सियस गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसा कुछ बनता ही नहीं। इसका मतलब टेम्परेचर को सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो सकता है, नंबर हो सकता है, उस नंबर को कोई डायरेक्शन हम असाइन नहीं कर सकते। या फिर आप यहाँ पे मास है ना, मास 10 किलो 15 किलो 50 किलो किसी डायरेक्शन में नहीं होता, 50 किलो इन द साउथ डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट 50 किलो और 10 किलो। तो मास इज द एग्जांपल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर है, मास है, और ऐसी जैसे डिस्टेंस है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस या लेंथ है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बी है, इनके बीच में कितनी लंबाई है, कितनी दूरी है, वो दूरी हम बता सकते हैं डिस्टेंस के तौर पे, उसको भी डायरेक्शन नहीं होती, दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है बस, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर कोई वर्ड्स आते हैं तो क्वांटिटी विच हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द स्केलर क्वांटिटी। चलो इससे आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन हो गया, चाहो तो लिख लो, बहुत सारे लोगों ने पहले भी लिखा होगा, पर जिनके लिए, जिन्होंने फाउंडेशन अटेंड किया है और जिन्होंने फाउंडेशन नहीं अटेंड किया उनके लिए ये फ्रेश चल रहा है। तो दोस्तों अब आते हैं हम, व्हाट डू वी मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर के बाद अब हम इस वेक्टर क्वांटिटी को भी डिफाइन कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इट इज ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, हम मैग्नीट्यूड तो बताएंगे ही साथ में डायरेक्शन भी बताएंगे। मतलब आप समझ के चलो कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है दोस्तों, ब्लॉक एक ऑब्जेक्ट, और ये सरफेस पे रखा हुआ है ये वाला ब्लॉक। अब मैंने इस ब्लॉक पे कोई फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाया कहते हैं तो एक नेचुरली हमारे दिमाग में आता है कि कहाँ से लगाया भाई, इस तरफ से फोर्स लगाया, तो हम समझ के चलते हैं फोर्स इज ऑफ 100 न्यूटन, इतना अगर हम फोर्स लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि 100 न्यूटन लगाया, पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हम उस फोर्स को बता सकते हैं, वी कैन गिव द पर्टिकुलर डायरेक्शन टू फोर्स। मतलब देखो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, बात समझिए, इट डज हैव अ मैग्नीट्यूड एंड इट ऑल्सो हैज द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को ना यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ 100, क्योंकि 100 इज द नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू है ये जो बता रही है कि फोर्स कितने अमाउंट में है, 200 न्यूटन हो सकता था, 50 न्यूटन हो सकता था, तो हमें कितना है फोर्स ये बताने के लिए एक नंबर दिया गया एंड दैट इज 100 न्यूटन। और इस एरो के साथ हमें बताया गया कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है ना, हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ लगा है, ये डायरेक्शन कुछ और हो सकती थी, आप फोर्स ऐसे भी लगा सकते थे, तो डायरेक्शन डज मैटर है ना। तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ऐसे क्वांटिटीज को, ऐसे टर्म्स को हम क्या कहते हैं, हम ऐसे टर्म्स को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो एग्जांपल में अभी हमने देखा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी जो क्वांटिटीज है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है।
तो ऐसी क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड मतलब के नंबर रहे जो ये बताए कि कितना उसका अमाउंट है और डायरेक्शन भी रहे उस चीज को उस क्वांटिटी को, तभी हम उसको वेक्टर कहेंगे। ऐसे भी कुछ क्वांटिटीज होती है जिनको ना डायरेक्शन होती है ना मैग्नीट्यूड होता है, दो मिनट में उनको बता देता हूँ। उनको कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है दोस्तों, है ना, क्वांटिटी विच नाइदर हैव डायरेक्शन नॉर मैग्नीट्यूड, नॉर मैग्नीट्यूड, ना उसे डायरेक्शन है ना मैग्नीट्यूड है, ऐसा जो है ऐसी क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हमने देखा था पहले भी, पर फिर एक बार बता देता हूँ। जैसे कलर, कि मेरे शर्ट का कलर जो है वो ग्रे कलर है। अब इस ग्रे कलर को ना हम मैग्नीट्यूड दे सकते क्योंकि कोई नंबर असाइन नहीं कर सकते, 100 ग्रे है 200 ग्रे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और ना ही हम कोई डायरेक्शन बता सकते हैं कि भाई कलर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो क्वांटिटी विच नाइदर हैव अ डायरेक्शन नॉर अ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज अ टेंसर क्वांटिटी। बस इतना ही मुझे इसके बारे में बताना था। तो ये एकदम बिल्कुल प्रिलिमिनरी डिस्क्रिप्शन हो गया है आपके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। बस आप ध्यान में रखिए, मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर होता है जो उस क्वांटिटी के कितना साइज है वो बता सके, कितनी अमाउंट है वो बता सके। तो दोस्तों दो मिनट चाहो तो आप उसको लिख लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में और अब थोड़ा सा एक्चुअल मैटर्स पे चलते हैं। किसी भी वेक्टर को, वेक्टर क्या होता है तो अब आप ये समझ चुके हो, वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। हम दोस्तों जब वेक्टर्स को पढ़ते हैं तो मैथमेटिकल वेक्टर मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ साथ फिजिक्स में पर्टिकुलरली आपको वेक्टर ग्राफिकली भी पढ़ना होता है। ग्राफिकल वेक्टर्स भी पढ़ने हैं और मैथमेटिकल वेक्टर्स भी पढ़ने हैं। मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर मैथ का ऑपरेशन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इसके साथ साथ आपको फिजिक्स में पर्टिकुलरली ग्राफिकली भी पढ़ना होता है। तो हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं पहले यह आपको समझा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन। आप मेरे साथ बिल्कुल इस सब चीजों को नोट करने वाले हो, आप लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। किसी भी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो दोस्तों जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, सबसे पहले समझना, जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट है, है ना, डिस्टेंस इज अ डिफरेंट थिंग। एक ए ऑब्जेक्ट है और एक बी ऑब्जेक्ट है। आप मान के चलिए कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, कि ए को बी से 2 मीटर पे रखा गया है या बी को ए से 2 मीटर पे रखा गया है, ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई क्योंकि दिस इज अ डिस्टेंस। पर अगर कोई चीटी ए से बी पे चल के जाएगी तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट करेगी कि भाई वो ए से बी गई ना के बी से आई। तो एक डायरेक्शन जब हम असाइन कर पाएंगे तो इसको हम कहेंगे कि चीटी ने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी वेक्टर इन दिस केस। इस डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड होगा, कितना होगा, तो जितना ये चीटी चली है ए से भी जितना चली है वो है मैग्नीट्यूड। ये दूरी, ये दूरी, इस लाइन की लंबाई कितने कितने लंबी ये लाइन है। मतलब ऐसा समझ के चलो ए से बी में मैंने एक टेप ले ली और इस टेप को नाप रहा हूँ, है ना, ए से बी के बीच में हमने टेप ले ली और इस टेप को नाप रहा हूँ, और नापते वक्त ये जो टेप है ये यहाँ से यहाँ तक हमने लगा दी, तो ये जो लेंथ है ना, दिस लेंथ इज द मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसको हम बताएंगे कि ये 2 मीटर है, 4 मीटर है, जो कुछ है। This length, length between these two points A and B is the distance and it is nothing but the scalar quantity, या फिर हम कहेंगे magnitude हुआ। तो ये जो किसी भी, इससे हम क्या समझे कि किसी भी vector की दूरी जो है,
किसी भी वेक्टर की दूरी जो है वो वेक्टर को अगर ग्राफिकली आपको निकालना है, ग्राफिकली अगर आपको दिखाना है, तो दोस्तों एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से हम दिखा सकते हैं, जिस स्ट्रेट लाइन का जो एंड पॉइंट है वो उस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और जहां पर आपको एरो दिखाई दे रहा है वो उस वेक्टर का एंड पॉइंट होगा, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। अगर मैं किसी वेक्टर को ऐसे दिखाता हूँ दोस्तों, ये बात समझिए, ऐसे दिखाता हूँ तो ये वाला उसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, है ना, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर जहां पर आपको एरो का हेड दिख रहा है वो उसका एंडिंग पॉइंट है। इस तरीके से आप वेक्टर को अगर पिक्टोरिकली किसी पिक्चर के साथ दिखाना चाहते हो, किसी ग्राफिक ग्राफ्स के साथ दिखाना चाहते हो, तो ग्राफिक्स के साथ दिखाना चाहते हो तो वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है कि आप जिस जहां जिस जगह से स्टार्ट करो और जहां पर एंड करो, तो आप ए से बी गए हो, ये ए इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, बी इज अ एंडिंग पॉइंट। और हाँ, ये जो लंबाई, ये जो दूरी हमने इस एरो की, इस तीर की, ये बाण है ऐसा समझ के चलो, एक बाण रखा हुआ ऐसे, इसकी जो हम लंबाई या दूरी, इसकी जो साइज निकालते हैं वो रिप्रेजेंट करती है कि वेक्टर कितना बड़ा है, मतलब मैग्नीट्यूड हम कहेंगे लेंथ ऑफ वेक्टर। यहां बहुत अच्छे से समझिए, लेंथ ऑफ वेक्टर विल रिप्रेजेंट, लेंथ ऑफ वेक्टर विल रिप्रेजेंट, यहां नहीं लिखता, यहां लिखता हूं, लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी कितनी साइज है। इसका सिंपल मीनिंग है, अगर समझने के लिए आपको बहुत आसान करना है तो एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया जो ऐसा था, और दूसरा वेक्टर हमने ड्रॉ किया जो कि ऐसा था। इसमें आपको बिल्कुल ये बता सकते हो कि रेड वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कम है और ब्लैक वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मैग्नीट्यूड ज्यादा है मतलब उसकी साइज ज्यादा है। अगर आसान भाषा में समझना है तो आप डिस्टेंस को हर बार वेक्टर समझ लीजिए। ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये 2 मीटर डिस्टेंस है तो ये 1 ही मीटर डिस्टेंस हुआ। क्यों? क्योंकि इसका एरो, इसकी जो लाइन है वो हमने बड़ी ड्रॉ करी और ये जो लाइन है वो छोटी ड्रॉ करी है। लाइन को बड़ा ड्रॉ करना, लाइन को छोटा ड्रॉ करना, बड़ा लाइन मतलब बड़ा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा मतलब सिंपल वो उसकी लेंथ ज्यादा, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा, और छोटा वेक्टर मतलब कम डिस्टेंस, कम मैग्नीट्यूड, है ना। तो आप बिल्कुल साइज ऑफ वेक्टर भी इसी से बता सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का लेंथ, और ये होगा उसका ग्राफिकल तरीका किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। सो लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है कि नहीं, ग्राफिकली जब आप उसको लिखते हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। पर आप इसको लिखते वक्त कैसे लिखते हो ये मैं बता देता हूँ। इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है, तो नोटेशन कैसे दोगे? नोटेशन इज वेरी सिंपल, कहाँ से स्टार्ट हुआ? ए से। कहाँ एंड हुआ? बी पे। तो पहला वाला लेटर स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा वाला लेटर एंडिंग पॉइंट। पर ये ए बी लिखेंगे तो इसको तो हम नहीं समझ पाएंगे क्या लिखा है, ये तो अमिताभ बच्चन भी हो सकता है, अभिषेक बच्चन भी हो सकता है, क्या समझे कि कौन है ए बी? तो ए बी के ऊपर जवाब एक ऐसा बार दोगे, या फिर कुछ लोग मतलब बहुत से बुक्स या एक और ट्रेडिशन है इस बार को भी एरो देते हैं। यार इतना टाइम नहीं है अपने पास के एरो फैरो दे, आप सिंपली एक तो सिर्फ बार दे दीजिए, ए बी के ऊपर बार, ए बी के ऊपर एरो, मतलब हमने ए बी इज अ वेक्टर ऐसा लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ मैं ए बी लिखता तो मुझे नहीं पता चलता कि ये वेक्टर लिखा हुआ है, ये तो किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है, अमिताभ बच्चन हमने लिख दिया होता वहां पे, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, ये अमिताभ बच्चन ना हो के ए बी नाम का वेक्टर है, ये कैसा पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा। या फिर इस पूरे वेक्टर को, इस पूरे वेक्टर को एक ही नाम दे दिया, ए स्टार्टिंग कौन है, एंडिंग कौन है, ये मेरे को अगर कोई लेना देना नहीं है। लेट्स से कि दिस इज अ वेक्टर पी, तो मैं पी को भी सिर्फ ऐसा बार दे सकता हूं,
है ना। तो नोटेशन हम कैसे भी कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता के नोटेशन कर सकते हैं या फिर सिर्फ सिंगल एक नाम दे सकते हैं। इट इज समथिंग लाइक नाम और सरनेम के साथ बताओ या फिर सिर्फ नाम बताओ। मैंने बताया ये पंकज है मानेकर, तो पंकज मानेकर एक पूरा वेक्टर है ही, बट सिर्फ पी लिख दिया, तो दिस पी स्टैंड फॉर ओनली पंकज। अब मैं अगर आपके सामने खड़ा हूँ तो सिर्फ मेरे ही बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये कॉमन सेंस की बात हो जाएगी एंड में कि नोटेशन में कैसा किया गया है। तो रिप्रेजेंट जो करते हैं वेक्टर को इस तरीके से करते हैं, जैसे मान के चलो कोई फोर्स हो, फोर्स वेक्टर है, जैसे मैंने एक इस ब्लॉक के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इस तरफ, तो ये F इज इक्वल टू 100 हुआ। तो दोस्तों एक बात समझिए, 100 न्यूटन का डायरेक्शन भी है, तो मैंने कहा फोर्स को, देखो फोर्स लिखा उसके ऊपर बार दिया, तो ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हो है, और 100 न्यूटन लिखा। अब मुझे इसका डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बताता उसके बारे में दी गई इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी, वो कंप्लीट नहीं होगी। अंटिल एंड अनलेस आई मेंशन अ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेक्टर इज इनकम्प्लीट। इसीलिए हम कहेंगे ये किधर से किधर, लेफ्ट से राइट लग रहा है, तो हम बोलेंगे फ्रॉम 100 न्यूटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये एक्चुअली ऐसे कभी हम डायरेक्शन लिखते नहीं है, इसका एक मैथमेटिकल तरीका है, बट अभी के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ समझने के लिए समझो कि 100 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड हुआ और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उसका डायरेक्शन हुआ। अगर आपको इसको समझना है, देखो 100 न्यूटन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या है, उसका डायरेक्शन है। तो आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जब तक आप दोनों को नहीं लिखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो अगर एक बात समझिएगा, अगर ये फोर्स F1 है और इसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है, इसकी लेंथ मैंने इतनी निकाली, अगर मैं छोटा वेक्टर निकालता हूँ तो सीधी सीधी बात है कि भाई ये जो रेड वाला वेक्टर है F2 वो 100 से छोटा ही होना चाहिए, 100 से छोटा ही होगा, कोई उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि इसकी साइज छोटी निकाली गई है, ड्रॉ करते वक्त ही उसकी साइज छोटी निकाली गई, इसकी साइज बड़ी निकाली गई, और इसलिए हमें ये समझ में आ गया कि फोर्स F1 से फोर्स F2 मैग्नीट्यूड वाइज कम है, ओके छोटा है, पर दोनों की डायरेक्शन हमको ऑलमोस्ट सेम दिखाई देते हैं, इसका एरो इधर दिखा रहा है, इसका भी एरो इसी तरफ दिखा रहा है, तो शायद दोनों की डायरेक्शन सेम है। इस तरीके से आप क्या करते हो दोस्तों, वेक्टर के नोटेशन मतलब वेक्टर को लिखने का तरीका ढूंढते हो। अब मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिलीट करते हैं हम। आपको वेक्टर को कैसे नोटेशन में डालना है, मतलब कैसे लिखना है ग्राफिकली, वो अभी मैं समझा चुका हूँ। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप फिर मुझे एक बार कॉन्टैक्ट करके चाहे वैसे पूछ ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहला टाइप है, हम समझेंगे जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर, तो दोस्तों जीरो वेक्टर मतलब कोई वेक्टर नहीं है, ना मैग्नीट्यूड है ना डायरेक्शन है, तो बस ऐसा नाम लेके छोड़ दो, कुछ नहीं है, एक डॉट है मान के चलो, इसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो आप डायरेक्शन बताओगे किसकी, कोई तो वैल्यू बतानी पड़ेगी तब जाके उसका डायरेक्शन बताओगे, तो जीरो वेक्टर है ना, नो मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। एकदम शॉर्टकट में फिजिक्स के लेवल पर बता रहा हूँ, डेफिनेशन वाइज एग्जैक्टली इसलिए नहीं जाता क्योंकि फिजिक्स में उसका कुछ इतना काम नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। जीरो वेक्टर या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम दोस्तों नल वेक्टर भी होता है। नल वेक्टर मतलब कुछ है ही नहीं, मैग्नीट्यूड उसका जीरो है तो वो नल वेक्टर हुआ, जीरो हुआ। दूसरा हम समझेंगे कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स, जब दो वेक्टर्स इक्वल है मतलब क्या है, तो बहुत जरूरी है यह समझना, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड
सेम मैग्नीट्यूड होना तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है या सबसे ज्यादा जरूरी है एंड ऑल्सो सेम डायरेक्शन। जब तक किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम नहीं होते, वो वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते, है ना। मतलब एक वेक्टर है जो मैंने ड्रॉ किया P नाम का, वो इतना है, ऐसा समझ के चलो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 10 मीटर से है या 10 है, पर अगर इक्वल ही होना है तो दूसरा भी वेक्टर बिल्कुल उतने ही वैल्यू का होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, और दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मतलब जरूरी नहीं कि वो ऐसे एकदम पैरेलली ड्रॉ करें हम उसको, P को निकाला, Q को यहाँ पे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या R समझ लो, तीसरा एक वेक्टर हमने लिया R, R भी इक्वल वेक्टर है क्योंकि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सबके सब सेम है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, मैग्नीट्यूड सेम मतलब उस वेक्टर की दूरी, लंबाई, उसकी कितनी लेंथ है वो भी सेम है, और एक ही डायरेक्शन में सब वर्क कर रहे हैं। उसी में हम देखेंगे कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स तो देखते हैं हम दोस्तों। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स मतलब ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, पर बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो। हम बस इतना कहेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि हमने एक वेक्टर ऐसा P निकाला और दूसरा वेक्टर यहां पर ऐसे मैं दिखा रहा हूं Q, पर अगर हम इन दोनों को एक साथ दिखाएंगे तो ये P और ये Q ऐसे दिखेगा, और जब ऐसे दिखेगा तो उनमें कुछ एंगल होगा, अगर उनमें कुछ भी एंगल बन रहा है तो P और Q पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। उनमें कोई एंगल कब नहीं बनेगा, जब P को भी ऐसा निकाला जाएगा, Q को भी ऐसा निकाला जाएगा, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मस्ट बी जीरो एंड डायरेक्शन मस्ट बी सेम, एंड डायरेक्शन मस्ट बी सेम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि एंगल तो दोनों के बीच में जीरो होना ही चाहिए, मतलब दोनों ही एक दूसरे को पैरेलल होने ही चाहिए, पैरेलल का मीनिंग आप एनीवेज जानते हो, पर जरूरी है कि डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम उसको पैरेलल वेक्टर्स नहीं कहते, है कि नहीं। ये अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। फोर्थ है आपका एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दोस्तों एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या होगा कि एक वेक्टर है जो ऐसे काम कर रहा है, पी की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, पर जो दूसरा वेक्टर है उसने डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट रखी हुई है। मतलब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में देखो डायरेक्शंस ऐसी है, ये अगर P वेक्टर है तो Q वेक्टर ऐसा है, पर दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है दोस्तों, सेम है, एंगल क्या है, जीरो है, या 180 बोल सकते हो इस केस में। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180, क्योंकि एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, दूसरा वेक्टर इस तरफ जा रहा है, पर है तो पैरेलल, पैरेलल होके डायरेक्शन अगर अपोजिट रहेगी तो हम उसको क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो हम बोलेंगे एंगल जो है, एंगल थीटा जो है उनके बीच का 180 डिग्री एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एंगल 180 डिग्री है पर एक दूसरे को पैरेलल है, है ना, 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन एक ही बात हुई, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो आपको इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर अभी आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से, है कि नहीं दोस्तों। अब हम समझते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर के बाद निगेटिव वेक्टर क्या होता है। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर का मतलब हुआ कि दो वेक्टर सेम है, इक्वल है, मतलब ए नाम का वेक्टर इधर, अगर मुझे
एक वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में मिले तो मैं उसको बस माइनस लगा दूं। देख लीजिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, पर एक ए की डायरेक्शन लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट है तो माइनस ए की डायरेक्शन क्या होगी टूवर्ड्स राइट। इसीलिए हम बोलेंगे यहां पर वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट है। वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ए को जब हम लिखते हैं ए को, तो बात समझिएगा, ए को अगर मैं प्लस लिखता हूं तो ये रेड वाला क्या होगा, रेड वाला आपका माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए है ना। क्यों? क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से हमने उसको क्या लिख दिया दोस्तों, नेगेटिव मतलब माइनस लिख दिया। इतना सिंपल लॉजिक है, अपोजिट डायरेक्शन वाला नेगेटिव, सेम डायरेक्शन वाला इक्वल, पैरेलल एंटी पैरेलल। तो आप इसको बहुत अच्छे से इस क्लास को अभी स्टडी कर लीजिए, मैं आपसे फिर दोबारा कल मिलूंगा क्योंकि 30 मिनट्स का क्लास हमारा एज पर आवर प्रोमिस डन ऑलरेडी।